क्या हो? कुरुक्षेत्र में तो यहाँ पे हम सुबह के टाइम जो है मॉर्निंग वॉक करने आए हैं, और ये साथ में ही जो है मकान के साथ जो है वो पार्क लगा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, देखिए। तो ऐसा भी नहीं है कि सभी जो है घरों में बैठ रहते हैं, लेकिन नहीं, एक्सरसाइज करने दौड़ रहते हैं सभी, बुज़ुर्ग भी, और ऊपर से जो है रेलवे ट्रैक है। और फिर अभी हम दौड़ देते हैं यहाँ पे, बैक कैमरे से भी दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा सीन। ये देखिए कितना अच्छा पार्क है और कितना यहाँ पे, वैसे अच्छा लगा हमें। काफ़ी एरिया में जो है ये पार्क है, और हमने अभी रेस भी लगाई क्योंकि भाई यहाँ पे जाम हो गया हम बैठ बैठ के पूरा दिन। ये देखिए यहाँ का ऐसा जैसा देखने में कुछ मिल रहा है, और सभी बच्चे बुजुर्ग नौजवान जो भी हैं वो सभी जो है दौड़े हैं यहाँ पे। ये देखिए जिम का एक छोटा सा हिस्सा। ये भी एक्सरसाइज करने आया। अब कितने बनाने और क्या बनाने? नहीं, आप क्या सोच रहे हैं कि बस खिला खिला के मारना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, यही लग रहा है मुझे। कौन सी बहन के घर भाई आता है और फिर उसकी बहन सेवा नहीं करती, बताओ? फिर आप तो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ही हो रहा है, सब कुछ एक्स्ट्रा ही हो रहा है। तो फिर मैं एक्स्ट्रा हूँ ना थोड़ी सी। लाला भाई आप बोलो, आपको कैसा लगा? नहीं दीदी क्या कर रहे हैं, ज्यादा ही कर रहे हैं ना। ऊपर तुम फोटो खींचे थे, बिल्ली देखी थी, इतनी इतनी थी। हाँ इतनी इतनी हो गई, पूरे दोनों गमले भर गए। नहीं सच्ची, देखा वो अभी देखा, बिल्कुल अब आने वाली है सब। ऊपर आ गया, बहुत भारी हो गया। भिंडी ना ज्यादा ऊंची हो गई है, पता है क्यों? हाँ। क्योंकि ना लाला ऐसे जाके करता है और फिर उठ जाती हो ना। फिर यार भाई, फिर तो ऐसा ऐसी करामात है आपके पास, तो हमारे घर चल पड़ो, है ना? एक बार देख यहां पर, जो इनको देखो, ऊपर घर बड़ी बड़ी हो गई है सच में। सही बात देखो, ये मारना फोटो लिया, चलो तुमको दिखा, कमल दिखाया लाला, कमल दिखाया इनको, कमल भी दिखाना। भाई के साथ जा रहे हैं हम, वहां पे हम गए थे ना इनके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहां पे जो खेती कर रखी है इन्होंने वो दिखाने दोबारा से लेके जा रहे हैं। अभी उस दिन जो है बिल्कुल छोटी छोटी थी, और आज जो है वो काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी है। तो यार 3-4 दिन में ही इतनी ज़्यादा हो गई होगी, अंधेरा भी हो गया ना, मैंने तो काफ़ी टाइम हो गया। और अभी हम जा रहे हैं घर की ओर। हाँ तो बैक कैमरे से दिखाता हूँ कितने बड़े बड़े हो गए। हाँ यार सच में काफ़ी बड़ी बड़ी होगी, है ना भाई? देखो रहा, ये तो छोटी छोटी होती भिंडी के डिगड़ी होगी। हाँ यार 3-4 दिन, 3-4 दिनों में ऐसा क्या किया आपने? ऐसा क्या किया इसमें 3-4 दिन में? कद्दू का पेड़ देखो, हाँ सच्ची केड्डी बड़ी बेल हुई है ना। इसको लगावा कुछ ना, यहाँ टमाटर पेड़ एक ही है, ये सिंगा बस है, टमाटर पेड़ एक ही है, एक ही है इतना बड़ा। देखिए टमाटर का पौधा भी काफी बड़ा है इनका, इसको ना देखिए, ये चीज है ना, इसमें सपोर्ट दी है, इसमें डीएपी खाद भर रखी थी मैंने। डीएपी खाद वो कैसी होती है?
डीएपी खाद नहीं जानते हो? ना मैं कहाँ जानता हूँ। यूरिया, यूरिया नहीं, बत्ती 1216 बोलो। हाँ हाँ वही है, वही है, 1232 16। 1232 16 ये भी दो प्रकार की आती है। हाँ एक तो बिल्कुल लोकल होती है, खेत में डाल दो गलती नहीं है, ये तुरंत गल जाती है, वो तो बिल्कुल काम नहीं करती। आता ही है अभी, ये तो क्या है देख रहा है ना, वहीं का नहीं जाना है काम है ना, तेरा फर्क वो। नहीं यूरिया नहीं डाली इसमें। हाँ यही वाली डाली है। नहीं एक और मैडम खाद डाली थी, उसमें सब खाद ही मिक्स है इसमें। मच्छी भी पड़ी हुई है। मच्छी है हाँ, छोटी छोटी मछली अभी है। ये फूल है हाँ, कमल का फूल है ना। ये कमल नहीं है, क्या है? कमल उगाया था नीचे, हो जाएगा इसमें लगेगा फूल। फूल लगना? हाँ फूल आता है, रोज आता। हर रोज? हाँ अब तो 2 दिन से नहीं है। कमल का होता तो बहुत प्यारा फूल होता है। हाँ ये पता नहीं दूजा होगा कोई, ये हमारे लाला जी जो है डेकोरेशन करते हैं फूलों की और बहुत केयर करते हैं। ये हमारे ना क्या, सुनो सुनो, जो पानी की जगह होती है ना वहाँ पे ये बहुत सारा होता है हमारे यहाँ। ये है, ये उगाया था कमल का फूल। अच्छा ये नीचे उगाया था, इसमें जो कमल का फूल नहीं होता है हाँ वो उगाया था, जो इसका इसका इतना इतना भारी पत्ता होता है। तो अभी हम ना घर जा रहे हैं और हमारे को घर जाने के लिए रास्ते में खाने के लिए देखिए दीदी ने यहाँ पे परांठे बना लिए हैं। कितने परांठे डाल दिए? 20-20 20-20 तो मतलब मना करते हुए भी मीनाक्षी को काम ना करना पड़े। अच्छा कल भी नहीं खाया मतलब हमें ना, मन तो हमारा नहीं कर रहा है यहाँ से जाने के लिए, पर फिर दीदी ने तंग कर दिया हमारे को, ये अच्छा अच्छा खाना खिला खिला के बहुत तंग कर दिया। अरे सच में इतना प्यार दिया ना इन्होंने, तो हमारा मन भी नहीं कर रहा है, पर जाना पड़ेगा। लोगों के साथ कमेंट किए हैं कि भाई आएंगे और लोगों के काम भी करने को है, तो फिर दोबारा से हम कुछ दिनों बाद फिर आएंगे, क्योंकि इनके थोड़ा सा काम बचता है ना यहाँ पे, है ना दीदी? मेरे ये वाले घर का काम करना है। हाँ, ये वाले घर का, उस वाले घर का तो हो गया पर इस वाले घर का काम करना है अभी कुछ, और फिर देखते हैं अब कब जैसे टूर बनता है, पर जो पहले के काम है उनको कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आराम से 2-4 दिन यहाँ पे घूमेंगे भी, है ना दीदी? हाँ बिल्कुल। हाँ भाई जी मेरी तरफ फ्रेंड्स, मेरे को खाली एक बात बोलनी है सारे व्यूअर्स को, ये बात सीखने वाली है, जो रिश्ते जो है ना दिल से ऑनेस्टी से बनते हैं ना वो हमेशा के लिए बनते हैं, और ये एक ऐसा ही रिश्ता है। मैंने इनका काम देखा जब यूट्यूब पे देखा और एकदम लगा कि नहीं ये मेरे घर, वो मेरा पहला घर था और मेरा उससे बहुत अटैचमेंट था। मैं कोई स्पेशल बंदे को ही देना मांगती थी कि वो इसको घर को ठीक करेंगे, और मेरे को लगा कि यही सही बंदे हैं जो ठीक करेंगे, और मैंने इनको दिया। और मैं ये बात 101% बोलती हूँ कि जितना ऑनेस्टी से इन्होंने काम किया उतना बहुत कम लोग करते हैं। ये ऑनेस्टी जो है ये सच्ची में बहुत सही है और यही तरक्की की राह है, इसलिए प्लीज़ प्लीज़ ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करो, ऐसे ही लोगों के पास में काम होना चाहिए। अगर चाहते हो कि देश की तरक्की हो, चाहते हो कि आपकी आत्मा के साथ भी कहीं पे सही हो, तो वो चीज़ यही है कि सही आदमियों को चुनो और सही लोगों के साथ चलो। मैं तो यही बोलूँगी, जो रिश्ता बना है वो दिल का बना है, बाकी आप ब्लॉग देखते हैं उसके अंदर हंसी मजाक बहुत होते हैं, ये दिल के इतने अच्छे हैं ये मैं बयान नहीं कर सकती। तो इनका बड़प्पन है नहीं, ये
ठीक है, ये तो सच कहा कि ये रिश्ता खून का रिश्ता जो है वो रिश्ता नहीं कहलाता। एक दिल का रिश्ता होता है वो सबसे हटके होता है, और वो हर किसी के साथ जो है वो दिल का रिश्ता नहीं बनता है। पर इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, बस अब इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। मेरे पास कितनी सेवा की है, और ऐसा ही मधु के यहाँ भी उन्होंने भी बहुत सेवा की है। सुबह वो भी 5 बजे उठ जाती और हमारे को चाय लेके आती, और फिर दोबारा से जो है फटाफट से जाके जो है हमारा ब्रेकफास्ट की तैयारी करती, और फिर उनके पति जो है वो फिर ब्रेकफास्ट लेके आते, फिर दोबारा से वो लंच की तैयारी करती, और फिर उनके पति जो है फिर दोबारा से हमारे को लंच लेके आते। बस ऐसा ही रात को भी डिनर के लिए जो है वो इतनी रात को आते थे। वहाँ से काफ़ी दूर है और जंगली एरिया है, पर फिर भी वो हमारे लिए जो है वो सारा कुछ अवेलेबल करवाते थे वहाँ पे। तो ऐसे लोग जो है बहुत कम मिलते हैं, और इतनी रिस्पेक्ट करने वाले लोग जो है वो बहुत कम मिलते हैं। तो सच में यहाँ से अभी जाने का मन नहीं कर रहा है, पर चलो फिर दोबारा से आएंगे, है ना दीदी? हाँ, आप भी आएंगे ना हमारे घर? अब मैं जल्दी आऊँगी, और आप प्लीज़ आइएगा, जल्दी जल्दी आइएगा। हाँ। खाली मेरा ये वाला घर करने के लिए नहीं, ऐसे घूमने के लिए ना, घूमने के लिए। मतलब इनको ये परवाह नहीं है कि मैंने घर का काम करवाना, ये परवाह है कि इनको घुमाना है ना। हाँ, इस बार हम घूम ही नहीं पाए क्योंकि हमने जाना है ना आगे, लोगों के काम लिए हैं तो वो भी करने हैं पूरे। तो अभी कुछ नहीं बोल सकते, अभी हम जा रहे हैं। तो आप भी बोलिए भाई, आपको कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा, बहुत। बस सब दिन ही है ना, सच में है ना, कोई सब दिन ही है। हाँ, और ये संजय भाई जी और नीरजा दीदी ना बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत बहुत ही अच्छे हैं, बस यही कह सकते हैं। इससे आगे हमारे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, और इतनी केयर करते हैं, इतनी परवाह होती है इनको, बस इसी टेंशन में होते हैं अब इनको क्या करें, अब इनको क्या करें, बस। तो चलो ठीक है जी, अब हम चलते हैं और बस की ओर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है वो 8 बजे निकलना है, तो अभी जो है 7:30 हो चुके हैं, तो अभी हम जाने की तैयारी कर लेते हैं, और बस पकड़नी है, ऐसा ना हो बस छूट जाए। तो बाय कर लो भाई, ठीक है जी, फिर ओके बाय। ठीक है, शाबाश शाबाश। और भी है कुछ वो भी पैक कर दो। हाँ जी, और भी है कुछ वो भी पैक कर दो। अरे दीदी, आपको लेके जाएंगे, आप चलो तो सही एक बार, हम तो यही सोचते हैं कि चलें। आप चलने के लिए आ रहे हैं? सच में ही हम तो ये सोच रहे हैं कि चले आप भी हमारे साथ। इसके लिए मीनाक्षी के लिए कुछ थोड़ा सा दिया प्लीज, वो मेरी फ्रेंड है। हमारी रोज रात को अच्छी बातें होती हैं, आपकी खूब चुगली करती हूँ मैं, अच्छे से चुगली, आज ये करा, आज ये कर दिया, आज तेरे पति ने ये कर दिया, देख तेरा पति कैसा है। ऐसा ना हो घर जाके वो डंडा ही मारे सीधा ही। वो कहते ना ना ना, मेरे पति ऐसे है ही ना ना, है ही नहीं, आप झूठ बोलते हो, ऐसे बोलते हो। अच्छा फिर बाय करो दीदी, अब चलते हैं हम, है ना? ओके बाय बाय, सी यू। सिया यस सिया। अच्छा हां देखो, तो अभी हम वापस जा रहे हैं और हम बस स्टैंड आ चुके हैं। अंधेरा अंधेरा दिख रहा है ना,
बाय सी यू। देखो देखो घर में यार, यहाँ मैंने टी ब्रेक हुआ है भाई, पता नहीं कौन सी जगह है ये, पर यहाँ पे रुके हैं हम, चाय पी लेते हैं।